Hey guys, it's Renak. Welcome back to Siddhu Vlogs. So guys, आज की वीडियो का रिएक्शन होने वाला है अब्दुल मलिक के एक वीडियो पे, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इसमें इंडियन हैदराबादी बिरयानी वर्सेस पाकिस्तानी कराची बिरयानी का कंपैरिजन किया गया है. आज हो जाए मुकाबला. सो गाइज, पाकिस्तानी कराची बिरयानी तो ऑफकोर्स मैंने नहीं खाई है, बट इंडियन हैदराबादी बिरयानी मैंने खाई हुई है और वो बहुत ही मस्त होती है. तो इस वीडियो में इनके व्यूज देखने में मजा आएगा, लगेगा पता कि इन लोगों को कौन सी बिरयानी अच्छी लगी थी. सो गाइज, बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, अगर आप लोग अभी तक हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे तो ये हमारे दो इंस्टाग्राम हैंडल्स, प्लीज प्लीज डू फॉलो अस. एंड इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक और ओरिजिनल चैनल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. प्लीज डू चेक आउट द ओरिजिनल लिंक एंड द ओरिजिनल चैनल. एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स सी. आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज हमने ट्राई करनी है पाकिस्तानी बिरयानी और इंडियन बिरयानी. देखना है कौन सी ज्यादा मजेदार होगी. मक्की भाई, कौन सी ज्यादा मजेदार लगेगी अंदाजे के मुताबिक? इंडियन. मैं कहता हूँ पाकिस्तानी. चलें देखते हैं कौन सी ज्यादा मजेदार है, साइड बाय साइड कंपेयर करते हैं. और मेन चीज, हमारे मेन भैया ने हमें ज्वाइन करना है, मोटे भाई अब्दुलरहीम भाई ने. भाई हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं जद्दा में इंडियन रेस्टोरेंट पे और यहाँ से लेंगे खाना. दोनों हैदराबादी बिरयानी बनाते हैं ना या बम्बई वाले भी बनाते हैं? अच्छा, चले सही. अस्सलाम वालेकुम, क्या रहे? ठीक है. दो बिरयानी है भाई, एक चिकन एक मटन. ये कौन सी मसाला चाहिए? थैंक यू भाई, बहुत शुक्रिया. लें, इसमें चिकन और मटन बिरयानी है, एक एक. एक चिकन एक मटन. हाँ, ताकि पाकिस्तानी बिरयानी अगर खाली मटन या चिकन मिले तो कंपेयर कर पाए. सही है ना? चाय पीनी है? डॉक्टर ने मना किया. डॉक्टर ने चाय मना की है? वैसे मुझे भी डॉक्टर ने एक चीज मना की है. डॉक्टर हर डॉक्टर से नहीं होता. हाँ, मेरे वाला डॉक्टर सही है और वो कहते हैं ज्यादा खाने वाले दोस्तों से दूर रहा करो. आपको अच्छा नहीं लगा? देखो मेरे मसल कितने कम हो गए हैं जब से तुम्हारे साथ घूमने शुरू किया मैंने. इल्जाम लगाने के लिए हूँ मैं. हाँ हाँ, नहीं वैसे तो कुछ खाते नहीं हो. सुभान अल्लाह. अभी अब्दुलरहीम से पूछ लेते हैं. किससे पूछेंगे ये? हाँ ना, पूछ लेते हैं. पाकिस्तानी बिरयानी मशहूर है, स्टूडेंट बिरयानी. एक चिकन बिरयानी और एक मटन बिरयानी. भैया पाकिस्तानी बिरयानी ले ली कराची वाली और इंडियन बिरयानी ले ली हैदराबादी. और इंडियन बिरयानी वालों ने मुझे चार्ज किए 50 रियाल्स और पाकिस्तानी बिरयानी वालों ने चार्ज किए 52 रियाल. दोनों की एक मटन एक चिकन बिरयानी ली. अब होगा कंपैरिजन सही. दोनों की मटन और चिकन मिल गई है. प्राइस में 2 रियाल का डिफरेंस है. प्राइस में 2 रियाल का डिफरेंस है, लेकिन मुझे लगता है इंडियंस ने ना मुझे अब्दुल मलिक फरीद देख के थोड़ा सा डिस्काउंट किया. लेकिन ये दोनों बेस्ट हैं अपने लेवल में. यार आपने फोन आता है यार. कोई ऐसा दिन नहीं है आप टाइम पे आ गए हो? कभी भी दिन पे नहीं आता, रात में भी रातों रात. हमारी जिंदगी आधी इसके इंतजार में गुजर गई है. चलो आधी तो बची है, वो भी बर्बाद करने पे तुले हुए. खाने तो देते नहीं. कोशिश कर रहा हूँ. सॉरी सॉरी नहीं, हर वक्त यार हमें लेट करवाते हो. सॉरी और यार देखें हमारे दरमियान फैसला करेंगे मक्की भाई. मुंसिफ देखें, आप सिर्फ इसकी फोटो दिखा दें, फैसले वाले कहेंगे नहीं हमें सजा है, मौत ही ठीक है. बिल्कुल बिल्कुल, फैसला खत्म. देखो आपने फैसला करना ये दिन. बस लड़के ने माफी मांगा. चलो भाई, आपको इंसाफ नहीं चाहिए. चलें भाई, ये हमारी आ गई इंडियन बिरयानी. इसमें हमारे पास दो पार्सल हैं, ये पार्सल बाद में देखते हैं. लेकिन सबसे पहले निकालते हैं बिरयानी. और ये कौन सी हो सकती है? आपकी फेवरेट बीफ होगी? मटन? चिकन तो नहीं होगी आपके भी? मटन ही होगी. एक मिनट, मटन. सूंघ के बताओ कौन सी है, मटन है या चिकन? मटन. मुझे भी मटन ही लग रही है वैसे खुशबू से. हाँ हाँ हाँ, मटन है. एक्सपीरियंस है भाई. सही बात है, 40 साल का एक्सपीरियंस है. 40 साल का. पैदा होने से पहले मटन खा रहे थे. तमन्ना चलो इस मटन की. चलें, इसको ना हम हमारे अरब में हमेशा दस्तरखान पे डाल के खाते हैं. ये डाल दिया. और दूसरा मटन बिरयानी कराची वाली. ये इंडियन आ गई, कराची वाली है. तो ये देखते हैं इसमें से मटन कौन सी. वो भी मैं बता दूंगा, मसला नहीं है. चलो सुन के बताओ. मुझे समझ क्या रहे हो यार? जो आप समझ रहे हो वही है यार. ये चिकन लग रही है मुझे, सूंघ के. मुझे सूंघ के जी जी बिल्कुल चिकन. मैंने बता दिया चिकन ही है यार. चिकन ही है मेरे भाई. मटन लग रही है? नहीं चिकन है. नहीं मटन लग रही है. चिकन है मेरे भाई.
बोल तो रहा हूँ मटन है भाई, ये मटन है, मटन है भाई। ये आ गई हमारी कराची की बिरयानी भैया। अब हम तीनों अपनी राय देते हैं कि कौन सी बिरयानी कैसे। चलो एक एक निवाला लो, बताओ कौन सी बिरयानी कैसे। हाँ अभी शुरू नहीं होना, वीडियो बन जाए फिर इधर मुर्गों वाली लड़ाई हो कोई मसला। ये सबसे पहले मटन भी चेक करना है साथ। हाँ मटन भी यार, मटन को ही तो हार डाला है तुमने, कौन सा। अच्छा मेन इसमें जो फर्क नजर आ रहा है ना, कराची वाली बिरयानी में आलू भी डाला हुआ है, उसमें नहीं, हैदराबादी में। और कराची वाली जो बिरयानी है ना, ये थोड़ा सा मैं खा लूँ फिर मैं अगली बार बताऊँ। यार इसने भी रिव्यू करना है। वो बेस्ट है इंडिया वाली। दोनों में फर्क क्या है? फर्क उसका जो मटन है वो जल्दी घुल जाता है, इसका थोड़ा लेट हो जाता है। अच्छा यार हमारी जो है ना, इसमें सही मसाले फील होते हैं। इसमें मसाले नहीं, इसमें मसाले कम है, और इसमें ना वो थोड़ा सा ना आप कह सकते हैं यखनी वाला टेस्ट है, जो इंडियन हैदराबादी बिरयानी डिफरेंट है, थोड़ा डिफरेंट है, काफी काफी फर्क है मसालों के लिहाज से, वो सही है। पाकिस्तानी बिरयानी, इंडियन बिरयानी, आपने तो ये अभी तक ट्राई की है ना? हमें अभी वो कर रहा हूँ, और ये अभी मैं हैदराबादी बिरयानी, इंडियन बिरयानी खा रहा हूँ। चावलों के अंदर टेस्ट घुला हुआ है ना, वो इंडियन बिरयानी का, एकदम चावलों के अंदर मरक गई हुई है। लेकिन पाकिस्तानी बिरयानी जो है, इसमें मसाले एकदम से फील होते हैं। अभी ये हम खत्म कर लें, फिर चिकन पे जाते हैं, आपसे मिलते हैं। और कराची वाली बिरयानी में ये रायता था साथ में, ये अभी मुर्गी वाली बिरयानी पे डालें, और साथ में था ये सलाद। तो अब इसको हटाएं, नया दस्तरखान लगाएं। माशाल्लाह 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 तबारकअल्लाह। चिकन भाई हम लोग पूरी नहीं निकालेंगे, क्योंकि अभी हमारी काफी हद तक भूख मिट गई है। आपकी भी मिट गई? नहीं मैंने तो कुछ नहीं, कुछ नहीं खाया अभी, शुरू करो खाना। ओह ये देखें, हैदराबादी बिरयानी में ठीक ठाक फर्क है चिकन और मटन वाले में। ये चिकन आ गई, देखें चिकन किस तरह, इसको फिर आई नहीं, रहने दो, पैक कर दो। आप लोगों ने नहीं खाना? नहीं हमने खाना है, आपको सिर्फ दिखाना है। और ये कराची वाली चिकन बिरयानी अभी निकाल रहे हैं, इसके साथ देखें यहाँ पर रायता सलाद, और हैदराबादी बिरयानी के साथ भी हमें रायता मिला था, जिसमें हमने बिल्कुल फोकस नहीं किया। ये रायता है हैदराबादी बिरयानी, इंडियन बिरयानी के साथ। फोकस था किधर? खाने पे, बटन पे, बटन बटन, और साथ में ये इसको क्या कहते हैं भाई, मसाला। और ये आ गई हमारी कराची की बिरयानी, पाकिस्तानी बिरयानी, कराची बिरयानी विद चिकन। ओह आजा भाई आजा यार, हमारे यहाँ बिल्कुल नॉर्मल होता है हाथ इस्तेमाल करना, अक्सर लोग होते हैं उनको वो थोड़ा सा अजीब लगता है कि हाथ इस्तेमाल करना, यहाँ पे सिंपल है भाई। क्या सीन है? नहीं अभी खाओ प्लीज, खाओ। ये तो चखा है, बंद कर फिर दिखा दूं मैं। अच्छा भाई कैमरा बंद होने के बाद जलवे दिखाते हैं। कैमरे पर आपने कई बार जलवे दिखाए हैं ना? वो आपका काम है जलवे बनाए। अफगानी बोटी में किसने जलवे दिखाए थे? आप बड़े बात तकल्लुफ होगा, एक दूसरे पर इशारे करते हो, क्या बात। चलें जी हैदराबादी बिरयानी सबसे पहले, बिस्मिल्लाह। चिकन बिरयानी काफी मजेदार, इंडियन बिरयानी हम लोगों ने बेस्ट जो हमें पसंद है बिरयानी वही ली है, हैदराबादी बिरयानी नंबर वन। आपकी कौन सी पिक है? सिर्फ चावलों के लिहाज से ये, बाकी सब ज़रा। इसमें असल में पूरा टेस्ट घुला मिला हुआ है, पूरा एक ना सही फ्लेवर मिलता है आपको जब खाते हैं ना हैदराबादी बिरयानी। अगर जब कराची की बिरयानी खाते हैं तो आपको फौरन से स्पाइसेस फील होते हैं उसके, बस हैदराबादी बिरयानी बताते हैं आपको खाने के बाद। बता बहुत जल्दी है भाई को, कैमरा बंद कर, मामू ने भी ज्वाइन करना ना। मैंने असल में अपने आप में आना है, और मैं कैमरे के अपने आप से बाहर आना है। अच्छा आप लोगों में से किसने कराची बिरयानी और हैदराबादी बिरयानी खाई हुई है, और उसे कौन सी पसंद है? अगर खाई हुई है तो हम लोगों ने बता दिया भाई, इसमें जज आप खुद कर लें, आपकी पसंद अलग होती है। किसी को ज्यादा मसालेदार स्पाइसी चाहिए तो वो पाकिस्तानी बिरयानी है, कराची की बिरयानी। और अगर किसी को फुल फ्लेवरफुल बिरयानी चाहिए तो वो है आपके लिए हैदराबादी बिरयानी। अगर मुकम्मल बिरयानी के अंदर आप चाहते हैं कि फ्लेवर मिले उसके चावलों में, उसके गोश्त में, तो सही है, यही है। कैमरा बंद। आप हैदराबाद? आप हैदराबाद? हाँ हैदराबाद, लेकिन चावल है। वाह स्पाइसी 100%। मैंने दोनों को रखा हैदराबाद, स्पाइसी चावल भी गोश्त भी सब ऑल। और आप? मैंने ये पाकिस्तानी खाई थी वो मुझे सही लगी। अच्छा मामू की पिक कराची बिरयानी, कराची और ये अभी तक मैंने खाई नहीं। अच्छा ये कौन सी है? ये कराची बिरयानी है, और इधर हैदराबादी बिरयानी खत्म होने वाली है। हाँ अभी टेस्ट तो उसने खा लिए यार, एक निवाला बचा हुआ है जाने से पहले, जल्दी कर लो। हाँ इधर इनकी हैदराबादी बिरयानी की खूबसूरत बात ये है कि इन्होंने ना साथ में ये मसाला दिया हुआ। अच्छा हाँ पाकिस्तान में यार ये मांगते हैं तो क्या कहते हैं, थोड़ा सा क्या दे दो, ग्रेवी। क्या फील हुआ?
हैदराबादी अभी खाइए, कराची वाली खाने दो मामू को पहले। सबर करें। ये कराची वाली बिरयानी गई, मामू की पिक देखे, मामू को क्या बताऊं? वो वाली ठीक, उसमें पूरा चावल और हैदराबादी या कराची? हैदराबादी, हैदराबादी। हेलो, मुझे नहीं मामू को अंडर प्रेशर ना करो, खाना खाओ। वो देखे खत्म भी कर दिया, वो देखे मामू को ना खाओ। मेरा हिस्सा पड़ा हुआ भाई, हो गया आपका। अब्दुल यार जाओ, आप पाकिस्तान जाओ यार। अच्छा भाई, यहाँ पे हम लोग तो खाते रहेंगे, इतना जल्दी हम लोग बस करने वाले हैं नहीं, लेकिन ये वीडियो फिर लंबी हो जाएगी। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दें। और आप बताएं, आपको ज्यादा मसालेदार पसंद है या फ्लेवरफुल बिरयानी पसंद है? और सबसे कम कौन खाता है ये भी बता दें। हाँ ये भी बता दें। मेरा ही नाम फरीद साहब, मैं यार वीडियो बनाता रहता हूँ, आप दोनों लगे रहते। ये तो देखता भी नहीं है। सबसे कम कौन खाता है बता दें? अच्छा, इसकी हड्डियाँ देखें, हड्डियाँ भी इसने तोड़ तोड़ के रखी हुई, मतलब हड्डी को भी साबित नहीं छोड़ा। नहीं नहीं, वो अलग शापर पड़ा है। अल्लाह की नेमत जाया ना हो, इसी वजह से साफ करके खाते। गाड़ी में क्या सवाल हुआ था कि मामू बताएंगे कौन ज्यादा खाते? हाँ, वो तो पहले भी एक वीडियो में मैंने बताया था ना, जो मेरे भाई कमेंट में बताएंगे सबसे ज्यादा कौन खाता है। आप लोग बताएं कौन ज्यादा खाते हैं। सीरी मामू पे यकीन नहीं है? इधर सुफरा देख के फिर बताना। सबसे कम सुफरा देख के फिर बताना। मेरी जान देख ले, आप खुद ही वो सच बोलने में मजबूर हो जाएंगे। लेकिन यार आज का एक्सपीरियंस बड़ा मजे का रहा है, इसलिए कि अलग अलग दो तरह की बिरयानी है, फिर चिकन बिरयानी भी साथ में, मटन बिरयानी भी, आहा मजा आ गया। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर बाद हजम भी करनी है बिरयानी, एक दूसरे को छक्के मार के। लवली तो गाइस वीडियो बहुत अच्छी थी, एंड मुझे ऐसा लगता है कि वो ना पाकिस्तानी, कराची पाकिस्तानी बिरयानी देखने से ही स्पाइसी लग रही थी। सो टेस्ट बर्ड्स पे डिपेंड करता है, इसको स्पाइसी खाना है वो वाली खाएगा। हैदराबादी वालों ने थोड़ा सिंपल रखा हुआ था, फ्लेवर्स का ही मोस्टली होता है, प्लस वो ग्रेवी देते हैं कि जिसको अगर थोड़ा सा स्पाइस अप करना है तो ग्रेवी डाल के खा ले, अदरवाइज बिना ग्रेवी के भी खाई जाती है। लेकिन मेरा मानना ये है कि जो प्रॉपर बिरयानी बंदा कोई हैदराबाद जाके वहाँ के कहीं किसी शॉप से बिरयानी खाए ना, उसका मज़ा ही अलग होगा। सिमिलरली अगर कराची जाकर वहाँ की कोई बिरयानी खाए तो उसका मजा अलग होगा। बट दिस इज अ ग्रेट वीडियो, और इन लोगों का रिव्यू भी काफी अच्छा लगा मुझे, इन्होंने दोनों बिरयानी का बताया, प्लस बेसिकली टेस्ट बड्स पे डिपेंड करता है। सो ऑल इन ऑल दोनों जगह की बिरयानी बहुत अच्छी होगी आई एम श्योर, क्योंकि मैंने तो सिर्फ हैदराबादी बिरयानी खाई, पाकिस्तानी बिरयानी नहीं खाई, बट आई एम श्योर कि वो भी बहुत टेस्टी होगी सिंस वो स्पाइसी है एंड आई लव स्पाइसेस। सो गाइज दिस इज माई रिएक्शन एंड आई रियली होप दैट यू लाइक इट, एंड इफ यू डिड दिस वीडियो को लाइक कर दो, उसमें बहुत सारे कमेंट्स कर दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सो गाइज दिस इज सिद्धू व्लॉग्स साइनिंग ऑफ, आई लव यू गाइज़।